Good morning, students. Welcome to online class, beta. Today I will explain poem Gorilla, page number 117. Okay? Page number 117, poem Gorilla. Okay? A giant gorilla came to tea. Whoever asked him, it wasn't me. He came in through the kitchen wall. It took 6 years to seat him all. He drank his tea straight from the pot. And sandwiches he ate the lot. He poked the jellies to make them wobble, then swallowed them up with just one gobble. Okay, beta. A giant gorilla came to tea. एक बहुत giant means क्या होता है? बहुत heavy और भारी भरकम, दिखने में ज़्यादा जैसे राक्षस की तरह दिखने वाला means बहुत बड़ा. Giant came to tea. किसके लिए आया बेटा? वो चाय के लिए आया. Whoever asked him, किसने उसे बुलाया? ओके, whoever asked me, किसने उसको बुलाया? It wasn't me, मैं तो नहीं था, यानी कि मैंने तो उसे नहीं बुलाया. He came in through the kitchen wall, वो कहाँ से आया? किचन की वॉल से आया. It took 6 years to seat him all, उसने क्या है 6 years एक साथ मिलाई और उस पर वो बैठा. He drank his tea straight from the pot, उसने सीधा पॉट में से सीधा डायरेक्ट चाय पी ली उसने. एंड सैंडविचेज और सैंडविचेज खाए. ही एट द अलॉट, उसने एट द अलॉट बहुत ज़्यादा उसने खाया. ही पोक द जेलीज टू मेक दैम बबल, यानी कि उसने जेली भी लगाई उसने, ठीक है, जेली को उसने फैलाया. देन स्वेलोड दैम अप विद जस्ट वन गोबल, उसने क्या है उसको स्वेलो निगल गया एक ही गोबल में, एक ही उसमें, एक ही ग्रास में, ठीक है. ऑल दैट रिमेन्ड ऑन द प्लेट वॉज द केक, जो प्लेट में केक था, रिमेन जो बचा हुआ था केक, वो भी वो खा गया. ऑल दैट रिमेन ऑन द प्लेट वॉज द केक, और जो सिर्फ ऑल दैट रिमेन, यानी कि जो बचा हुआ था, केवल क्या बचा हुआ था प्लेट में, केक बचा हुआ था, वो भी वो खा गया. देयर वॉज नथिंग एल्स फॉर हिम टू टेक, अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था. व्हेन ही हैड ईटन दैट आई शोड हिम द डोर, जब वो सब खा गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा टेबल पे, तो मैंने उसको दिखाया दरवाज़ा. क्या दिखाया मैंने? दरवाज़ा दिखाया. एंड होप ही हैड गो, और मैंने आशा की कि वो वहाँ से चला जाए. नाउ देयर वॉज नो मोर, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था. इंस्टेड ही एट द डोर एज वेल, वो दरवाज़ा भी खा गया. एक्सेप्ट फ्रॉम द नॉकर एंड द बेल, वो बेल को भी, नॉकर जो खटखटाने के लिए लोहे का होता है ना, हम यूज़ करते हैं, उसको भी वो खा गया. After that he had last decided to go, और उसने खाने के बाद उसे लास्ट में क्या डिसाइड किया, जाने का फैसला उसने लिया. Who invited him, किसने उसको इन्वाइट किया, यानी कि किसने उसको बुलाया. I had like to know, और मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि किसने उसको बुलाया. Okay, this is the poem बेटा, और who is the poet of this poem, Martin Honeysett. Okay, you have to read this poem and aloud and try to learn. ओके बेटा, और कम से कम आपको 4 लाइन तो आपको लर्न होनी चाहिए. ओके बेटा, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे.